हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमैट, जिसके लिए हमने ये क्रीम कलर लिया है और ये ब्लैक कलर लिया है और हमने ये 9 नंबर सिलाई ली हुई है। तो चलिए हम आपको ये शुरू से ही बताएंगे किस तरह से हमने डोरमैट को बनाना है। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से डोरमैट बताऊँगी और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लैक कलर से फंदे डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 18 फंदे डाल लिए हैं डोरमेट बनाने के लिए। अगर आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप अपने हिसाब से इसमें फंदे डालें। मैं आपको ये 18 फंदों में बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखिए एक सिलाई इस तरह से बनाएंगे। तीस फंदे, 40 फंदे, इस हिसाब से आप फंदे डालें तो और भी ये ज़्यादा बड़ा बन के तैयार होएगा। ये देखिए एक सिलाई हम और इधर से भी हम एक सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए हम ये सिलाई कंप्लीट करते हैं, सीधी सिलाई पे दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक सिलाई बना ली है। अब ये देखिए ध्यान से हम किस तरह से इसमें डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से हमने फंदे छोड़ने हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे हमने दो फंदे छोड़ दिए हैं बगैर बुने और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। उल्टी सिलाई हम इस तरह से बना रहे हैं। ये देखिए ये देखिए दो फंदे हमने इस साइड छोड़े हैं और दो फंदे हमने इस साइड छोड़े हैं और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। दोनों तरफ हम फंदे छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये देखिए फिर से हमने दो फंदे छोड़ दिए, तो चार फंदे हम छोड़ चुके हैं और यहीं से वापस हो जाएंगे। इस तरह से ही हम दोनों तरफ फंदे छोड़ते हुए बीच तक आ जाएंगे। तो देखिए चार फंदे भी इधर छोड़ दिए हैं और चार फंदे इधर, यहीं से हम वापस हो जाएंगे। अब ये देखिए दो फंदे फिर से हमने छोड़े, दोनों तरफ से हम फंदे छोड़ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से अब यहीं से हम वापस हो रहे हैं। ये देखिए फिर से हम छोड़ दिए दो फंदे। ये देखिए इधर भी हमने दोनों फंदे छोड़ दिए, सॉरी इधर हमने 2, 4, 6, 8 फंदे इधर छोड़े हैं और 8 इधर, दोनों तरफ हमने 8-8 फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम
एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो देखिए हमने एक फंदा इसमें से ये बना लेना है, ये देखिए। तो इधर हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस फंदे इधर हो गए और सात फंदे इधर हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम, ये देखिए यहाँ से हम इसमें क्रीम कलर को लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, उल्टी तरफ से हमने क्रीम कलर को लगाना है, ये देखिए इस तरह से सात फंदों के बीच में हमने क्रीम कलर को लगा दिया है। और दोनों साइड से हम बराबर फंदे छोड़ते हुए गए थे, यहाँ पे हमने ये दो फंदे इधर ज़्यादा कर लिए हैं, ये देखिए उल्टी तरफ से क्रीम कलर को लगा दिया है। अब ये देखिए पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे और धागा आगे करके पूरी सिलाई को हम सीधी तरफ से उल्टा बनाते हुए जा रहे हैं, ये देखिए ये सात फंदे हमने बना लिए हैं। अब हम यहीं से वापस हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। तो एक सिलाई हमने बना ली है उल्टी और सीधी इस तरह से, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, अब इसमें से हम एक एक फंदा छोड़ते हुए जाएंगे। तो देखिए किस तरह से, ये देखिए छह फंदे हम बना लिए, एक फंदा हमने क्रीम कलर का छोड़ दिया और यहीं से वापस हो जाएंगे। इसी तरह से हम ये सारे फंदे छोड़ेंगे एक एक, ये देखिए। दूसरा फंदा छोड़ दिया और यहीं से वापस हो जाएंगे। तीसरा फंदा छोड़ दिया यहीं से वापस। ये देखिए, देखिए पहला फंदा हम इसी तरह से उतारेंगे ताकि ये इस तरह से फली सी हमारी सीधी रहे, ये देखिए। चौथा फंदा हम छोड़ दिए और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। और ये देखिए पांचवा फंदा भी हम छोड़ दिए हैं और यहीं से हम वापस हो रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और देखिए दो फंदे हमने ये बना लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए हमने सारे फंदे ये छोड़ दिए हैं बगैर बुने। अब हमने क्या करना है, यहीं से हमने अब ये देखिए सारे फंदे बनाने हैं, ये देखिए इस तरह से सातों फंदों को हम पूरा बनाते हुए जा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये आधी पत्ती बनके कंप्लीट है। अब ये देखिए यहाँ से हम फिर से एक सिलाई उल्टी इसी तरह से बना रहे हैं, ये देखिए। अब फिर से हम इसी तरह ये फंदे से हम ये फंदे एक सिलाई बनाने के बाद में फिर से हम इसी तरह छोड़ेंगे फंदे जिस तरह से हम नीचे छोड़ते हुए आए हैं, ये देखिए। ये देखिए एक फंदा हम छोड़ दिए और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। हम ये इसी तरह से छह फंदों को सभी को इसी तरह से छोड़ेंगे
ये देखिए दो फंदे छोड़ दिए, तो चलिए ये फंदे भी छोड़ देती हूँ और फिर दिखा देती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फिर से इसी तरह से फंदे छोड़ दिए हैं बगैर बुने, ये देखिए। और ये हमारी पूरी पत्ती बनके देखिए इस तरह से तैयार है। अब ये देखिए हम यहाँ से क्रीम कलर से पूरी सिलाई को ले जाएंगे, तो देखिए आप इस तरह से। और जहाँ पे भी आपको लग रहा है गैप दिख रहा है, तो देखिए इस फंदे को हम ऐसे कर लेंगे और यहाँ से हम एक वाइट फंदा इस तरह से उठा लेते हैं। और देखिए दोनों को एक साथ, ये देखिए जो हमने फंदा उठाया है यहाँ पे, दोनों को हम एक साथ इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए इस धागे को हम पीछे ले जाएंगे अब यहाँ से, इस धागे को हम पीछे ले गए और ब्लैक हमें आगे लाना है इस तरह से, ये देखिए। और देखिए हमने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का फंदा इस तरह से उठा लेना है ताकि यहाँ पे गैप नहीं रहे। ये देखिए दोनों को एक साथ हम इस तरह से बना देंगे, ये देखिए दोनों को एक साथ इस तरह से बना देंगे। और आगे के फंदे हम सारे जो हमने छोड़े सभी को हम इस तरह से ब्लैक से ही बनाते हुए जा रहे हैं, ये देखिए। तो देखिए हमने यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे आपका गैप नहीं रहेगा इस तरह से। तो ये एक पत्ती हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ दूसरी पत्ती हमने किस तरह से कंप्लीट बनानी है। ये देखिए अब हमने यहाँ से पूरी सिलाई को ब्लैक से ही बनाते हुए जाना है, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से सारे फंदों को हम ब्लैक से ही बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से हमने इसी तरह से दोनों साइड, तो देखिए किस तरह से पहला फंदा हम उतारेंगे और धागा आगे करेंगे। और देखिए हम दोनों तरफ से फंदे फिर से इसी तरह छोड़ेंगे जिस तरह से हमने ये बताए हुए हैं आपको। एक बार और बता देते हैं, ये देखिए दो फंदे फिर छोड़ दिए हमने यहीं से और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह से फंदे छोड़ेंगे और जब बीच में आ जाएंगे तो 10 फंदे हमने इधर रखने हैं और 7 फंदों की हम ये वाली पत्ती बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने इस डोरमेट में 9 पत्तियां बनानी है ये क्रीम कलर की इस तरह से ही, ये देखिए। अब हम दो फंदे इस साइड भी छोड़ रहे हैं और यहीं से हम वापस हो जा रहे हैं। इसी तरह से हम दोनों साइड से फंदे छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे, तो 10 फंदे हम इधर रखेंगे, 7 फंदों में इस डिजाइन को बनाएंगे। तो चलिए हम इसी तरह से ये पूरा डोरमेट बना के कंप्लीट करते हैं 9 पत्तियों का, और इसके बाद हम आपको फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए इस तरह से दो फंदे फिर से हमने छोड़ दिए, तो चलिए हम बनाते हैं इसको और 9 पत्तियां बना के कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें 9 पत्तियां बना ली हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने इसमें 9 पत्तियां बना ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखिए हम यहाँ पे
उल्टी तरफ हैं, तो उल्टी तरफ से हम ये देखिए यहाँ से सारे फंदे बंद करेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैं ये सारे फंदे बंद कर रही हूँ, और जो क्रीम कलर के फंदे हैं वो हम क्रीम से ही बंद करेंगे, ये देखिए इनको हम क्रीम से ही बंद करेंगे। तो चलिए हम ये सारे फंदे इसी तरह से बंद कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे घटा दिए हैं। अब ये देखिए हम इसको उल्टा करते हुए, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब इसको हम यहाँ से उल्टा करते हुए सिलाई करेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम इसको सिलेंगे। यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं। तो चलिए हम इसको इसी तरह से सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिल दिया है, इसको पूरा सिल दिया है हमने। और ये देखिए हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से ये हमारा डोरमेट बनके कंप्लीट है। अब ये देखिए आप इसके ऊपर कोई भी कलर का, जो भी आपको पसंद है, आप कोई भी कलर का इसमें ये देखिए इस तरह से पॉम पॉम्स लगा सकती हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और हम इसको इसी तरह से सुई से लगा लेंगे। तो देखिए हमारा डोरमेट काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये मेरा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।